बिल्किस बानो मामले में बड़ी खबर, मुसलमान कर रहे गांव से पलायन, आखिर किससे है मुसलमानों को खतरा। खबर है गुजरात से जो आपके होश उड़ा देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भला कानून प्रशासन नाम की कोई चीज है भी या नहीं, या फिर जब कोई ऐसी आग लगती है तो फिर पुलिस हो या प्रशासन कोई काम नहीं आता। गुजरात में बिल्किस बानो के पैतृक गांव से मुसलमानों के पलायन करने का मामला सामने आया है। अब ऐसा मुसलमान डर के साए में कर रहे हैं या फिर कोई और वजह है, ये अभी तक साफ नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल हर किसी को मालूम है कि 15 अगस्त को बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार ने माफीनामा के तहत 11 दोषियों को रिहा कर दिया था, जिसके बाद से बिल्किस बानो के पैतृक गांव के मुसलमान परिवार के साथ पलायन करने को मजबूर हैं। गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव के एक निवासी ने दावा किया है कि 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों की रिहाई के बाद अपनी सुरक्षा की चिंता लोगों को सता रही है और इसी के चलते कई मुसलमान गांव छोड़कर यहां से चले गए हैं, क्योंकि ये घटना इसी गांव में घटी थी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर इस बारे में पुलिस का क्या कहना है, जो आपको बिल्कुल चौंका देगा। पुलिस ने रंधिकपुर में सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि जेल से रिहा हुए लोग पड़ोस के गांव से हैं, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों के पलायन से साफ इनकार किया है। हालांकि ये जरूर कहा है कि कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। इस मामले में रंधिकपुर निवासी शाहरुख शेख ने कहा कि 70 मुस्लिम परिवार आज डर के साए में जीने को मजबूर हैं, जबकि कई अन्य लोग यहां से पलायन कर गए हैं। वो अन्य क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के साथ रहने लगे हैं। दिहाड़ी मजदूर शेख का कहना है कि हम डरे हुए हैं, दोषियों की ओर से रिहाई के बाद उनकी ओर से हिंसा के डर के कारण कई लोग गांव छोड़ चुके हैं। हमने जिलाधिकारी से अपील की है कि वो दोषियों को सलाखों के पीछे डालें, ग्रामीणों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। इतना ही नहीं, दाहोद के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने डर की बात कहते हुए कहा है कि रंधिकपुर गांव के कई निवासी गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है कि उनके साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि जब तक 11 दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, वो वापस नहीं लौटेंगे। पुलिस ने कहा कि दोषी रंधिकपुर के पास एक गांव के रहने वाले हैं और वे इलाकों में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को माना है कि कुछ ग्रामीण गांव छोड़कर चले गए हैं। बहरहाल अब देखना है कि आखिर इस मामले में अगली अपडेट क्या आती है और क्या ये दावे बिल्कुल सही हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।